उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए हो रहे मतदान में बड़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के कई विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबरें आ रही हैं। खुद अखिलेश यादव इस स्थिति से निराश दिखाई दिए। वह भाजपा पर चुनाव जीतने के कोई भी हथकंडा अपनाने का आरोप लगा रहे हैं। राज्यसभा के चुनाव में वोट लेने के लिए भाजपा ने सब कुछ किया है, जो लोग गए हैं उनमें सरकार के खिलाफ खड़ा होने का साहस नहीं रहा होगा। कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि हमारे साथियों का मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर देना चाहिए। समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल के प्रमुख सचेतक के पद पर मनोज पांडे के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि अभी तक वे कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं। और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है, ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में बेईमानी की हो, बैलेट से जब वोट पड़ा जीतने के लिए, उन बैलेटों को किस तरीके से बिगाड़ा गया, किस तरीके से वोट खराब किया गया, और अधिकारी के माध्यम से, उस समय अगर सीसीटीवी ना होता और बैलेट से वोट ना पड़ा होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से बदनाम होते हुए नहीं कोई देख पाता। जहां तक यूपी का सवाल है, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। देखिए, कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए।